देर रात बस स्टैंड के पास पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें बैंक के फर्नीचर में जरूरी कागजात व कंप्यूटर आग में सवा हो गए। गनीमत ये रही कि बैंक में रखा कैश आग की भेंट चढ़ने से बच गया। आपको बता दें कि देर रात पिहोवा की मुख्य ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक में देर रात अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। पुलिस व फायर ब्रिगेड ने मौका संभालते ही बैंक में पहुंचे और काफी 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही पिहोवा DSP समेत बैंक मैनेजर भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का निरंतर प्रयास करते रहे। इसके बारे में हम जांच करेंगे, सुबह हमारे अधिकारी भी आएंगे और कोशिश करेंगे कि सोमवार काम चालू तभी कारण पता चल पाएगा। नुकसान तो भी हुआ नहीं जा रहा, तो जो सेफ रूम है सर वो पूरी तरह से सर, यानी कि आप तक कब तक बैंक के अंदर बन जाएगा, कितने कब तक प्रगति उम्मीद है? कल संडे कल ही हम चलते हैं। पंजाब बैंक में आग लगी है, तो क्या कारण है और कितना नुकसान है अभी तक? आग लगने का कारणों का प्राथमिक तौर पर तो यही सामने आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। बाकी सीन ऑफ क्राइम टीम आकर के मुआयना करेगी इसका कि किस प्रकार से आग लगी। तो सर कितना नुकसान हुआ है? अभी बात की थी मैंने मैनेजर साहब से, स्ट्रॉन्ग रूम सेट है इसका, बाकी जो शीशे वगैरह चढ़ते हुए हैं वो नुकसान का आकलन ये बैंक वाले शुरू कर। तो सर कोई जान मांगते हैं? नहीं, सब सेट है, कोई दिक्कत वाली बात।